तो क्रिएटिविटी में मैं विभाव का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस तरह के स्वीट बॉक्स से पॉट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हम इसकी लिड को अलग कर देते हैं क्योंकि इसका हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इस पर ब्लैक स्प्रे कलर कर लेंगे। तो अब मैंने इस पर स्प्रे कर लिया है। अब हम इस पर ये ग्लिटर फोम शीट आती है, इसमें बैक साइड में जैसे चिप में होता है चिपकाने के लिए पेपर लगा हुआ था, इसको ऐसे ही हम कट कर लेंगे अलग अलग शेप में। शेप आप चाहें तो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं। इस टाइप से इसको छोटे छोटे पीस कर लेंगे। देखिए मैंने शीट में से छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। इसको हम इस टाइप से पीछे से कागज़ हटाते जाएंगे और बॉक्स पे स्टिक करते जाएंगे। आप इस प्रोसेस को किसी भी बॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल पे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस टाइप से आप उसको लगाते हैं। हमारा ये पॉट बनकर रेडी है। इसमें मैंने एक साइड में डायमंड शेप पे काट के लगा दिया शीट को और बाकी साइड में ऐसे ही रैंडमली अलग अलग साइज़ के पीस काट कर लगा दिया है। इसको बच्चे भी इजीली बना सकते हैं, जैसे बच्चों को हमें स्कूल में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं उसमें वेस्ट मटेरियल के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है जो बच्चे अपने आप इजीली बना सकते हैं। इसमें हम ऐसे ही सजा सकते हैं इसको या फिर इसमें फ्लावर्स लगा के। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। नेक्स्ट DIY के लिए ये मेरा दूसरा पॉट भी सूख गया है। इसको हम एक्रेलिक कलर से पेंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम वाइट एक्रेलिक कलर से इस पर डायगोनल लाइंस बना देंगे इस टाइप से। पॉट पे वाइट कलर से डिजाइन बना लिया है। अब इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए हम इसमें रेड कलर से भी फ्लावर्स बना देंगे इस टाइप से। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी हो और आपको कोई और अच्छा सा डिज़ाइन आए तो आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं, वरना ये सिंपल से फ्लावर बना लीजिए। देखिए मैंने पूरे पॉट पे फ्लावर्स बना लिए। ये मेरा वाइट कलर अभी ड्राई नहीं हुआ था इसलिए इस पर कितनी खूबसूरत सी शेडिंग आ गई है वाइट एंड रेड की। आप कलर कॉम्बिनेशन रेड की जगह कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पर मैंने नीचे इस टाइप से ब्रश को टेढ़ा करके खाली स्पेस में डॉट्स दे दिए हैं। आपको मेरा ये पॉट कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा पॉट अच्छा लगा, आपको मेरे पॉट्स कैसे लगे कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।